शासन में, आग लगी है राशन में, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, क्योंकि मोदी के शासन में आग लगी है राशन में, भाजपा पार्टी जिंदाबाद, देश यादव जिंदाबाद, 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 भाजपा पार्टी जिंदाबाद, 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 पटेल जिंदाबाद, 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 महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, वापस लो महंगाई को, वापस लो, वापस लो, वापस लो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं समाजवादी पार्टी कैंट विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। आज नरिया तिराहे पर ये जो अनोखा प्रदर्शन आप समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा देख रहे हैं, इसमें महंगाई को डायन रूपी स्वरूप में दिखाया जा रहा है और इस डायन का मालिक देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को बताया जा रहा है। जिस तरीके से आज के दिनों में चाहे वो प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे पेट्रोल की दाम हो, चाहे बढ़ती बिजली की कीमतें हो, महंगाई चारों तरफ से बढ़ रही है और सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के की चिंता कर रही है, उसे आम जनता की चिंता नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के लिए मस्त है और आम जनता त्रस्त है। इसके खिलाफ हम लोगों का ये अनोखा प्रदर्शन है। अभी तो ये शांतिपूर्वक गांधीगिरी के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। अगर अब भी सरकार न जगी, इसके बाद समाजवादी पार्टी रोडों और चट्टी चौराहों पर अपना कार्यक्रम करने पर बाध्य हो जाएगी। एक नारा निकला था, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार वो कितना सफल हो रहा है ये आप खुद देख रहे हैं कि जनता परेशान है। आप आज प्याज लेने जा रहे हैं 80 से 100 रुपया किलो हो गया है, पेट्रोल की दामें 80 रुपया हो गई हैं, और उसके बाद जब आप जान रहे हैं कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था आज 0.5 पॉइंट के नीचे चल रही है, उसके बाद भी आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी? जनता जिस उम्मीद से मोदी सरकार को देख रही थी, उस उम्मीद पर मोदी सरकार फेल हो गई। काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख रमेश कुमार जी, ये डायन रूपी महंगाई को किस प्रकार से आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं? ये सरकार निरंतर महंगाई बढ़ाती जा रही है, रॉ मटेरियल से लेके ऑटोमोबाइल से लेके हर जगह महंगाई की मार है। 15 लाख फ्लैटें खाली हैं, जिसमें गिट्टी छोटे से कारोबारी से लेकर बड़ा व्यापारी तक सब इसमें इन्वॉल्व है, सब लोग डिस्टर्ब है, परेशान है। सरकार की नज़रिया इस पर बदल रही है। सरकार केवल अपने को देख रही है, अमीरों को देख रही है, गरीबों को गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं, अगर इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ती रही तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और चट्टी चौराहे पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाज। सत्य प्रकाश, प्रदेश सचिव समाजवादी यूजन सभा। सत्य प्रकाश जी, किस तरह का विरोध है आप लोगों का, क्या है? देखिए, ये जो सांकेतिक विरोध आज हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ करने का काम किया है, लगातार जो दरों में वृद्धि की जा रही है, चाहे वो खाने के सामान हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे प्याज हो, चाहे दाल हो, और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना देने का काम कर रही है। आज उसी के तहत हम लोगों ने जो पेट्रोल में लगातार एक हफ्ते से 2.90 रुपये तक वृद्धि की गई है, प्याज के दाम आप देखिए 80 रुपये किलो तक पहुँच गया है, दाल के दाम आप देखिए जहाँ पहले कम हुआ करते थे आज वो 100 रुपये के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए आज समाजवादी पार्टी बनारस के युवा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ धरना देने का काम किया है और ये मांग की है कि जो लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है खाद्य दरों में या और भी आम आदमी के जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे, इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए और सरकार राहत देने का काम करे। अनोखा विरोध है कि एक कहावत है कि जो महंगाई रूपी डायन है उसको हम लोगों ने आज केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए आज उसको सड़कों पर लिया करके अन्य कार्यक्रमों के साथ उसको दिखाने का काम किया है और संदेश देने का काम किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि एक नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो करो बस यार, तो ये हम लोगों पर इसको उल्टा करने का काम किया, बहुत कर दिया महंगाई का बार, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से निवेदन है कि इसको कम करें और जनता को राहत देने का काम करें, अन्यथा ये जनता जिस तरह से सर पे ताज पहना सकती है तो ताज उतारने का भी काम ये जनता करेगी।